जिस उद्देश्य के साथ हम लोग आए थे वह उद्देश्य यह था कि वर्ल्ड में जो फूड का सिक्योरिटी है, कैसे खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था होगा, उसके तहत हम लोग आए थे। और हमारे देश में भी अभी कानून बना है, एन बन गया है, हमारे यहाँ कानून ने गारंटी किया है खाद्य संप्रभुता, प्रत्येक नागरिक के ऊपर दायित्व स्वीकार कर भूखे नहीं रहेगा। और उसी प्रकार से हम एन बना रहे हैं, हमने अपनी सफल किया है, देश में किया है, सभी सरकार वाले सभी लोग से किया। और यहाँ आकर हम लोगों का मूल उद्देश्य यह था कि भारत सरकार ने जिस प्रकार के कृषि क्षेत्र में सब्सिडी है, कृषि क्षेत्र में जो लोगों को खाद्य व्यवस्थापन किए हैं, नेशन वन कार्ड, और कैसे लोगों को पहुंचाता है विद्यालय में, यहाँ भी राज्य सरकार है, लोकल पट्टी है, किस माध्यम से जाता है, क्या क्या है कानून की व्यवस्था है। तो हम लोगों ने यहाँ सरकार का जो नीति आयोग है वहाँ भी हम लोगों ने सफल किया, उन लोगों से एक अनुभव लिया। उसके बाद जो टीम है साथ है वहाँ गए, उड़ीसा गए, वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलकर वहाँ जो गरीबी था उस गरीबी को कैसे समाधान हुआ है, कैसे लोगों की संपन्नता हुआ है, कैसे भारत ने कृषि क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति किया है, कैसे आत्मनिर्भर हुआ है। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 60% किसान है, हम भी चाहते हैं वहाँ अपने देश भारत से और नेपाल के बीच में एक नवीनतम प्रगति का विकास हो, जो दोनों देश के वैज्ञानिक मिलकर करें, हमारे लोगों को यहाँ तालीम की व्यवस्था हो। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो साधन स्रोत है, जो हमारी आवश्यकता है, उस पर हम वहाँ की गरीब जनता है जो हम पहुँचा सकें। और मूल बात है कि विधि और प्रक्रिया की बात है तो हमने अन्य व्यवस्था रखी है, अपने देश में भी जो यहाँ परिस्थिति है उस अवस्था से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए यह विजिट जो सफल हुआ है, और इसे स्वाभाविक रूप से नेपाल सरकार को कानून में मदद मिलेगी, उसको कार्यों में मदद मिलेगी, उसके बाद भी हम लोग एक टीम पठाएंगे, टेक्निकल टीम पठाएंगे, किसान के प्रतिनिधि जो लोग हैं, नई सन हमारे यहाँ के जो लोग हैं, सभी लोगों को एक बार देखने के लिए गुस्सा पठाएंगे, टेक्निकल टीम पठाएंगे। तो बहुत जल्द हम इस बात को एक इस विजिट से एक सफलता नेपाल सरकार मिलेगा विश्वास है। उस अवस्था से सफल भ्रमण रहा है और दोनों देश के बीच में खास कर जो ऑर्गेनाइजेशन किए हैं, सभी मित्रों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लंबे समय तक सभी नेपाल सरकार के प्रतिनिधि धन्यवाद देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस बात को नेपाल सरकार